दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अगर आपकी कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट या आपको कम नंबर दे रखे हैं सीबीएसई ने, आपको अपनी कॉपी रीचेकिंग करानी है, आपको अपने नंबर इंक्रीज कराने या मार्क वेरिफिकेशन करानी है, तो आपको सबसे पहले गूगल पर आ जाना, इधर लिखना सीबीएसई वेरिफिकेशन 2024 और जो आपके सामने पहली साइट आएगी उस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद देखिए ये साइट आई है हमारे सामने सीबीएसई की। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लास टेंथ या ट्वेल्थ के लिए आपको अप्लाई करना है, उस पर क्लिक कर देना। ये अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन टेंथ क्लास के लिए हम अप्लाई करके दिखाएंगे आपको, इस पर क्लिक कर देना है आपको, इस पर दबा देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो पहली विंडो ओपन होगी आपके सामने वो इस प्रकार होगी। इसमें आपको पहले कॉलम में रोल नंबर एंटर करना है अपना रोल नंबर, और दूसरे कॉलम में आपको 5 डिजिट स्कूल नंबर लिखना है, और तीसरे कॉलम में आपको एंटर सेंटर नंबर लिखना है, और इसके बाद आपको प्रोसेस पे दबा देना है। और प्रोसेस पे दबाने के बाद आपके सामने एक विंडो और ओपन होगी, आपका नाम खुल जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने, जब आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। आपका रोल नंबर, नाम, फादर नेम, पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। तो आपके सामने सब्जेक्ट भी आ जाएंगे, आपको हिंदी के लिए अप्लाई करना है या मैथ के लिए या साइंस के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी में आपकी रीचेकिंग होगी, कॉपी नंबर इंक्रीज होंगे। 500 रुपये पर सब्जेक्ट की फीस है इसमें। जैसे हम अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे हिंदी के लिए, और अप्लाई करेंगे मैथ के लिए, और अप्लाई करेंगे साइंस के लिए, और फिर अपना एड्रेस इसमें लिख देना है। जो भी आपका करंट एड्रेस है आधार में है वो आपको इधर लिख देना है, और लिखने के बाद आपको पिन कोड लिखना है नीचे, और पिन कोड लिखने के बाद आपको हम अपना पिन कोड एंटर करेंगे, और पिन कोड के बाद आपको अपना जो स्टेट है वो चुन लेना है। जैसे हम दिल्ली से हैं, हम दिल्ली देखते हैं, दिल्ली को चुनने के बाद आपको इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो दिल्ली में हम हैं, साउथ डिस्ट्रिक्ट यानी साउथ को क्लिक करेंगे। अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इधर लिखना है आपको। हम अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे इस बच्चे का जिस जो हम पे अप्लाई करा रहा है, और इसकी ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी लिखने के बाद इधर ऑप्शन आ रहा है सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन पर आपको दबाना है, क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट एप्लीकेशन पे, तो हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर आ गया है, इसे आपको नोट कर लेना है। कहीं भी हम इसे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये खो जाता है तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं होता, स्टेटस चेक नहीं कर पाते, इसलिए हम इसे कॉपी करने के बाद इधर फीस पेमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है, पर हम होम स्क्रीन से फीस पेमेंट करेंगे दूसरे ऑप्शन पर। तो आपको इधर अब जो हमने वो कॉपी किया है एप्लीकेशन नंबर, वो हम कॉपी नहीं हो पाया, इसलिए हम एक बार दोबारा अप्लाई करके देखते हैं उस बच्चे का रोल नंबर, स्कूल कोड, स्कूल नंबर दोबारा एंटर करते हैं, और फिर प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। और प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद हमारा ऑलरेडी दिखा रहा है, तो हम फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर पर ऊपर जो इधर आ रहा है होम के साइड में, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद
क्लास टेंट और रोल नंबर भरेंगे दोबारा, और 5 डिजिट उस रोल नंबर भरने के बाद सेंटर नंबर एंटर करेंगे और प्रोसेस पर दबाएंगे। किसी भी बच्चे का नंबर खो जाए एप्लीकेशन नंबर तो वो ऐसे ही फॉरगेट कर सकता है अपने नंबर को। वो प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ गया ये 11741, ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है। इस एप्लीकेशन नंबर को हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं, पिछली बार कॉपी नहीं हो पाया था तो हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद फीस पेमेंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट की 500 रुपये फीस है वो हमें पे करनी होगी। इतने वेरिफिकेशन नहीं होगी, कॉपी चेक नहीं हो पाएंगी, तो हम इधर अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर भरने के बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये आ जाएगा, हमारी डिटेल ओपन हो जाए कि हमने कितने सब्जेक्ट के कोड आए हैं, जो सब्जेक्ट के लिए हमने अप्लाई किए हैं उनके कोड आए हैं, मैच कर लेना। और 3 सब्जेक्ट के लिए हमने अप्लाई किया तो 1500 रुपये फीस कटेगी हमारी। और 1500 रुपये फीस पेमेंट के लिए HDFC का गेटवे आ गया है, और इस पे में प्रोसेस फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है आपको। और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा, इस पर प्रोसेस फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। और आप नीचे पे विद का ऑप्शन आएगा, इसमें UPI सेलेक्ट कर लेना और सबसे नीचे और फोनपे पेटीएम किसी से भी आप पेमेंट कर देना, और आपका स्टेटस शो होने लगेगा। मार्क वेरिफिकेशन 5-6 दिन में हो जाता है, इसके बाद या UPI की एंटर करके भी पेमेंट कर सकते हैं आप। मार्क वेरिफिकेशन 5-6 दिन में शो होने लगेगा, जितने नंबर आपके आए हैं इंक्रीज हुए हैं वो शो हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद। हम बहुत जल्द एक न्यू वीडियो लाएंगे जिसमें आपको स्टेटस शो होगा, पता पड़ेगी कि आपके कितने नंबर इंक्रीज हुए हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके।